गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सब अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो? अगर नहीं खा रहे हो तो हम आज आपके लिए एक बहुत ही यमी सी एक डिश लेके आए हैं, और बिल्कुल मार्केट स्टाइल डिश लेके आए हैं। वो है आलू टिक्की चाट, और बिल्कुल वो ठेले वाली आलू टिक्की चाट होती है ना, वैसे। उसको कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी, तो चलो आप लोग सारे प्रोसीजर्स देखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत, और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना में क्या है यार, कर दो, मुझे खुशी होगी, थैंक यू। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं और प्रोसीजर देखते हैं आलू टिक्की चाट का। सो गाइज, बाज़ार जैसी आलू टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड आलू, और ये मूंग दाल है जिसको 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रखा गया है। उस मूंग दाल को हमें अच्छी तरीके से बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद आप ये जो ऊपर में जो झाग जैसा चीज़ देख रहे हैं वाइट, उसको आपको निकाल के अलग कर लेना है पानी से। एक बार जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसको बिल्कुल अच्छे से ड्रेन कर ले, और फिर इसको एक किसी भी कॉटन के कपड़े पर रख करके इसको सुखा ले, और इसको थोड़ी देर पंखे के भी नीचे रखें ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए। और जब ये सूख जाए तो आपको एक बोल में लेना है, उसमें डालना है गरम मसाला 1/2 चम्मच, उसके बाद उसमें आपको ऐड करना है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डालें, अगर बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं। फिर आपको डालना है इसमें ब्लैक सॉल्ट, काला नमक 1/2 चम्मच, और फिर जीरा पाउडर थोड़ा सा, आप 1/2 चम्मच से कम भी ले सकते हैं या 1/2 चम्मच ले लें। चाट मसाला और आमचूर पाउडर, चाट मसाला और आमचूर पाउडर थोड़ा सा हमें अच्छा सा टेस्ट देते हैं, इसलिए आप इसे 1/2 चम्मच डालें आमचूर पाउडर और चाट मसाले को। एंड फिर एंड में हमें थोड़ा सा वाइट नमक डालना है, उजला नमक डालना है, थोड़ा सा डालना है, एक पिंच बस, और फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारी टिक्की की फिलिंग बन रही है। आप इस टिक्की की फिलिंग को बहुत अच्छे से मिक्स करें, और जितने भी मसाले हैं उनको एक साथ मिक्स करके, और फिर इनको अच्छे से साइड में रख दें। अब हम आलू पे काम करते हैं। आलू लेंगे जो बॉयल्ड आलू थे, और उसको मैश करने की जगह आप इस तरीके से ग्रेट करेंगे अपने ग्रेटर में, ठीक है? ग्रेट करना है हमें, मैश नहीं करना है। और जब ये सारे आलू आपके ग्रेट हो जाएं तो आपको इसमें कॉर्नफ्लावर मिला करके अच्छे से इसको, जैसे हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उस तरीके से गूंद के तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप इसमें थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालते जाएं, और फिर इसको मिक्स करते जाएं और आटा बनाते जाएं। जब ये आटा बन जाए तो आप देख रहे हैं इसको ऐसे ही, जैसे हम अपनी रोटी के लिए एक वो बनाते हैं वैसे बना के, जैसे हम कोई भी भरवा पर आटा बनाते हैं उस तरीके से आपको आलू के अंदर ये जो हमारी फिलिंग बन के तैयार हुई थी उसको आपको फिल कर देना है और अच्छे से बंद कर देना है। और फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से आटा लगा करके, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं आटा, उसको अच्छे से बंद करके और एक ऐसे टिक्की बना लें, छोटी छोटी या बड़ी, जैसे भी जिस भी आप शेप या साइज़ के चाहते हैं आप उस हिसाब से बना लें इसको। एंड मैं एक और बना करके आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, एक बार और आप ध्यान से देख लें। हमें फिल करना है, आप बहुत ज़्यादा फिलिंग मत डालें क्योंकि ये फट सकता है, थोड़े आराम से ही फिलिंग डालें और इसको अच्छे से बंद करके और फिर इसकी टिक्की बना लें। आप अपनी सारी टिक्कीज बना के तैयार कर लें एक बार में, और फिर आप एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लें। हम एक बार में एक ही टिक्की तलेंगे, इसीलिए आप उसी हिसाब से तेल लें, बहुत ज़्यादा तेल ना डालें क्योंकि एक बार में एक ही टिक्की डालेंगे। और फिर आप इसको इस तरीके से बीचों बीच, जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो, आप बीचों बीच इस टिक्की को डाल दें, और फिर इसको अच्छी तरीके से दोनों साइड से जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको तले। इसको टाइम टू टाइम जो है आप पलटते रहिए दोनों साइड, ताकि ये एक साइड पे ज़्यादा लाल ना हो जाए, जल ना जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये हमने कर दिया है, और ये अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है अब तो। अब आप इसको, जब ये ऐसे क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको, तो आपकी टिक्की तैयार हो जाए तल के, तो आपको प्लेटिंग करनी है। टिक्की लें, उसको अच्छी तरीके से ऐसे तोड़ लें थोड़े आराम से, अगर ये गर्म है तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। और इसको फिर आप इसके ऊपर फेटी हुई दही डालें, अच्छी तरीके से दही डालिएगा क्योंकि टिक्की चाट तभी अच्छी लगेगी जब आप इसमें खूब सारा अच्छे से दही डालें। अब आप इसके ऊपर जो जीरा का पाउडर होता है, जीरा का पाउडर, उसको अच्छी तरीके से छिड़क दें पूरे पे। एंड देन हम इसके ऊपर काला नमक डालेंगे। अब काला नमक थोड़ा सा
स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि टिक्की में ऑलरेडी नमक होता है, तो ज़्यादा ना डालें इसमें। उसके बाद ये हमने लाल चटनी और हरी चटनी ये दोनों बना के ऑलरेडी रखी है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो हमें बता दीजिएगा। फिर इसके ऊपर आप अच्छे से ग्रीन चटनी स्प्रेड करें। हमने इसको थोड़ा सा पतला करके ही डाला है, क्योंकि ये वाटरी अच्छा लगेगा, ये तभी अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स हो जाएगा। हमने इसके साथ हरी चटनी डाल दी और अब हम इसमें लाल चटनी भी ऐड कर देंगे। आप इसमें लाल चटनी ऐड करने के बाद अगर चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर से प्याज भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से सजा सकते हैं, बट हमने इसमें लाल चटनी और हनी चटनी डाली है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी आलू टिक्की चाट तैयार है। अगर आपको ये सिंपल सी आलू टिक्की चाट बनाने की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।